Hello students, today we will learn our second chapter, basic accounting terms. In this chapter, earlier we learned about the some points. Now we learn our another points. Our first point is capital receipts and revenue receipts. कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। जो हमारी फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सेल आउट करके हम जो अमाउंट रिसिप्ट करेंगे दैट्स कॉल्ड द कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई द प्रोप्राइटर एंड पार्टनर्स। जो बिजनेस के प्रोप्राइटर है, बिजनेस ओनर है और जो बिजनेस में पार्टनर्स हैं उनके थ्रू बिजनेस में कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की जाएगी वो भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट कॉल की जाएगी। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट कॉल की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमाउंट रिसिप्ट बाय वे ऑफ लोन। कोई भी लोन वगैरह अगर हम किसी से रिसीव कर रहे हैं वो भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट कॉल की जाएगी। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स थे अबाउट द कैपिटल रिसिप्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, मनी ऑब्टेंड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स। जब हमने बिजनेस में कोई भी गुड्स सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर और उससे जो अमाउंट अर्न करते हैं दैट्स कॉल्ड द मनी ऑब्टेंड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, इसको हम रेवेन्यू कॉल किया जाता है। ठीक है, ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन एंड फी रिसीव फ्रॉम सर्विसेज। कमीशन एंड फी रिसीव फ्रॉम सर्विसेज का मीन्स है कि हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराई टू द पर्सन्स या बिजनेस तो उस सर्विस के बेसिस पर हम कमीशन वगैरह रिसीव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी इनकम जनरेट होगी दैट्स कॉल्ड द रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। कहीं पर भी हमने कोई अमाउंट वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसके बेसिस पर हम कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो हम डिविडेंड रिसीव करेंगे, अगर हमने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो इस केस में भी हमारी जो इनकम जनरेट होगी दैट्स कॉल्ड द क्या नाम है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये तो बारी बात हो गई हमारी कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें हमने सिंपली बताया था कि कैपिटल रिसिप्ट हमारे वो अमाउंट्स होते हैं जिनमें हम कैपिटल को जनरेट करते हैं कई सारे सोर्सेज के थ्रू। जैसे हमने कोई फिक्स एसेट सेल आउट किया उससे हमारे जो फिक्स कैपिटल इंक्रीज करेगी। ठीक है, प्रोप्राइटर ने कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। अगर हमने कोई भी लोन वगैरह लिया तो वो उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज करेगी। इसी तरह से हमने रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स के बारे में। एक्सपेंडिचर्स एग्जैक्टली क्या है? एक्सपेंडिचर्स मीन्स क्या होता है हमारा खर्चा। इट मीन्स दैट एनी टाइप्स ऑफ द पेमेंट फॉर रिसिप्ट ऑफ अ बेनिफिट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। किसी भी तरह का पेमेंट जो हम किसी बेनिफिट्स को रिसीव करने के लिए करते हैं वो कॉल्ड किए जाते हैं एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर्स को हम किस तरह आगे डिफाइन कर रहे हैं? दो कैटेगरीज में हमारे, तीन कैटेगरीज में। नंबर वन है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए हमें करने होते हैं। जैसे हमने मशीनरी खरीदी, एसेस खरीदी, तो इस तरह से जो हमने खर्चे किए तो वो खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कॉल किए जाएंगे। ठीक है, बिजनेस को स्मूथली और प्रॉपरली रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कॉल्ड किए जाएंगे। अब बात आती है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं। डे टू डे एक्सपेंसेस का मीन्स क्या है यहाँ पर? कि जो भी हमारी रेवेन्यू जनरेट करने के बेसिस पर एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे हमारा सेल्स क्या नाम है सेल्स गुड्स सोल्ड करने के लिए सेल्स एक्सपेंसेस ऑन सभी एक्सपेंसेस होंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे, वो एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कॉल किए जाएंगे, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स किए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम करते तो किसी अदर ईयर में बट उसका एक ईयर में लेकिन उसका बेनिफिट्स आने वाले कई साल तक हम लेते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है,
अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें जैसे हमने मान लो एडवर्टाइजमेंट कराया, ठीक है, मान लो 2015 में एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा आने वाले 2016, 17, 18 कई साल तक लेते रहेंगे, वो हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कॉल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंसेस हमारे वो खर्चा है जो कि हमारे थ्रू किया जाता है। किस पर्पज से? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को सेल आउट करने के लिए एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंसेस कॉल्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम द रेवेन्यू। जो इनकम होती है वो रेवेन्यू से डिफरेंट होती है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। अगर हमने जो भी गुड्स होल्ड किया है और उससे जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा रेवेन्यू कॉल्ड किया जाएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। अब जो हमने गुड्स सोल्ड किया था, जिसकी कॉस्ट हमारी थी, सपोज दैट कि हमने 5,000 का गुड्स, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई, ठीक है, और उसको हमने 6,000 में बेचा, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ क्या नाम है, ठीक है, ये हमारा रिवेन्यू हो गया। क्लियर है? ये हमारा रिवेन्यू हो गया। तो अब इसके बेसिस पर हमने, जैसे इन्होंने यहाँ पर बुक किया है एक्सपेंडिचर, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। जो हमारा रेवेन्यू से और एक्सपेंसेस से ओवर, जैसे हमने एक्सपेंसेस किए थे 5,000 और रेवेन्यू हमारी जनरेट हुई थी 6,000, तो वो हमारी जो 1,000 है वो हमारी इनकम होगी। अब जिसमें इसमें ये वाला, जैसे रेवेन्यू हमने सपोज दैट बताया था 6,000 और एक्सपेंसेस हमने किए थे 5,000 के, तो जो जनरेट होकर के आई वो हमारी 1,000, ये हमारी इनकम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस। अब यहाँ पर टोटल रेवेन्यू से मतलब क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू से मतलब यहाँ पर हमने केवल पार्टिकुलर गुड्स को सेल करने से अमाउंट निकाला था, लेकिन यहाँ पर टोटल रेवेन्यू से मतलब हो जाएगा कि हम क्या नाम गुड्स को सेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ में क्या नाम है उसमें हमने अर्न किया, ये इंटरेस्ट रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, इस तरह के कोई भी चीज है, तो वो हमारी टोटल रेवेन्यू कॉल्ड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गेन। इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स विनिंग अ कोर्ट केस एक्सेट्रा। मतलब कि गेन हमारा वो मॉनेटरी बेनिफिट्स है जो कि रेगुलर नेचर का नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, ठीक है, बाय चांस हो जाता है, ठीक है, तो ये कॉल किया जाएगा हमारा गेन। जो हमारे रेगुलर नेचर के होते हैं वो हमारी रेवेन्यू, और उसके बेसिस पर जो अमाउंट निकल कर आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लॉस। द टर्म लॉस इज यूज इन टू सेंस। इन द फर्स्ट सेंस इट इज अपोजिट टू द प्रॉफिट। मतलब लॉस को हम दो सेंस में लेकर के चल रहे हैं। पहला सेंस है हमारा जो जिसमें प्रॉफिट के अपोजिट चलता है, दैट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉस। जैसे इसमें फॉर्मूला में लॉस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू, तो वो हमारा लॉस निकल कर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंड, इन सेकेंड सेंस। सेकेंड सेंस में क्या है? इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटीज अगेंस्ट विच फर्म्स रिसीव्स नो बेनिफिट्स। मतलब कहने का मतलब है कि फर्म इनके अगेंस्ट में, ये ऐसे लॉसेस हैं जिनके अगेंस्ट में फर्म कोई भी बेनिफिट्स नहीं ले रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट, कि गुड्स हमारा किसी तरह से जलकर नष्ट हो गया या फिर हमारा किसी तरह से चोरी हो गया, तो उस केसेस पर हमारे लॉस हुए, तो लॉस को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये ओवरऑल हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिनके बेसिस पर हम आगे पढ़ेंगे अकाउंट्स को।